क्या कहेंगे कि मेरे हस्बैंड जैसा हस्बैंड सबको मिले। नई बंदी आई एक नई बंदी, यो हर्षेल। हाँ। चांस मिला कि नहीं? साला बात भी नहीं हुआ, आई कांटेक्ट हुआ बस। आई कांटेक्ट हुआ है? अरे एक सेकंड एक सेकंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्या लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं हमारे नए ब्लॉग में आपका। और आज जो है वो विश्वकर्मा पूजा है, संडे है और कल तीज है। तो आज जो है तीज का जो है नहाय खाय है। तो आज मैं लहसुन प्याज का सब्जी बनेगा और आज मैं बनाने जा रही हूँ नेपाली आलू दम। ये देख सकते हैं मैंने आलू को जो है वो फ्राई कर लिया है और मैंने इसका मसाला भी तैयार। इसमें बेसिकली कोई मसाला नहीं पड़ता है, लहसुन पड़ता है बट मैं स्किप कर रही हूँ आज के लिए। वो बिना लहसुन के भी बहुत टेस्टी लगता है। और आज हमें लगाना है मेहंदी और काफ़ी सारी तैयारियाँ, कर लेनी है ऑलमोस्ट, जो भी पूजा का सामान वगैरह है जो भी है, बिकॉज सरगी भी आज ही है। और जो भी होता है जैसा रहेगा हम आपको ब्लॉग में हमारे बने रहे। हम जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने चीज के लिए, मतलब फल वगैरह ये सब लेना है। कल क्योंकि फास्टिंग है तो कल तो मौका नहीं मिलेगा, तो मैं आज ही लेके रख लूँगी क्योंकि इनका भी दुकान है। मतलब शॉप पे चले जाएंगे तो फिर किसको दौड़ाऊँगी मैं, तो मैं आज ही बहुत कुछ जो भी चीज़ें छूटी वूटी हैं वो सब मैं खरीद लूँगी आज ही। तो मैं निकल गई हूँ मार्केट। आओ तूने तुमको हॉर्न बजाने आ गया। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे अपना कपड़ा लेने के लिए जो सिलने के लिए दिलाया था। और हमारे गोलू जी जो है हॉर्न बजा रहे हैं। सो गाइस हम आ गए हैं मार्केट से और हमने फल भी ले लिया और अपना कपड़ा भी ले लिया और हम अभी चाय पी रहे थे। और हमारे जो मेहंदी लगाने वाली है वो आ गई है, जो लड़की है लगाने आई है वो दीदी को अभी लगा रही है। और अभी हम जा रहे हैं सब्जी काटने और फिर हम जाएंगे, हम भी मेहंदी लगवा लेंगे फिर दिखाएंगे आपको। यू मामी पता है क्या मोहल्ले में ना अपने सामने वाले बिल्डिंग में जो साइड सामने करके नई बंदी आई है? एक नई बंदी, यो हर्षेल। हाँ। चांस मिला कि नहीं? साला बात भी नहीं हुआ, आई कांटेक्ट हुआ बस। आई कांटेक्ट हुआ है? अरे एक सेकंड एक सेकंड। दिखने में कैसी है? हाइट वैसे छोटी है, अब हाइट इतना ही जैसे कि आपको पसंद है ना, जितने हाइट की लड़की है ना, कम हाइट की वैसी है। और उसके अलावा बस लग ही रहा है कि उसका एज 16 या 17। शीत एज पता करना है भाई, इस टाइम में दर्द सा जगह है। और हाँ भाई, आपके सब्सक्राइबर में बंदी है कि नहीं? बंदी ही है। HARSHIT_9779। अच्छा, आप उसमें डाल दीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन। अब जो नया अपडेट आया है ना यूट्यूब का, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल। सिर पे बाल नहीं है, नहीं तो हम अपनी शक्ल दिखाते। ओह गंदी शक्ल, बेचारे हर्षित की गंदी शक्ल। ये प्रेफले शक्ल नहीं है अभी, शक्ल अच्छी नहीं है मेरी, गंदी शक्ल वाले इंसान है। और ये जो है हमारा मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया है। गाइस देखिए हमारी मेहंदी जो है वो लग गई है और कितनी प्यारी मेहंदी लगी हुई है। अभी जब इसका कलर आएगा तो फिर देखेंगे कैसा कलर, तो तब कलर आना चाहिए, नहीं आया तो फिर उनकी खैर नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं सबको खाने खिलाने, मुझे भूख भी लगी है और जाके देखती हूँ कौन खाया कौन नहीं खाया क्या हुआ। सो फ्रेंड्स कल तीज है और मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी है, तो आज मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे खाना खिला रहे हैं क्योंकि मुझे भूख लगी है। आप लोगों भी खाना बता दीजिए, हस्बैंड करके खा लीजिए। इतना छूट नहीं दे सकते हैं। इतना कहेंगे कि मेरे हस्बैंड जैसा हस्बैंड सबको मिले और मेरे जैसी वाइफ सबको मिले। गलत बात है, मेरा जैसी वाइफ का मिले भाई, साल में 2 बार इनका उम्र रिचार्ज करा देते हैं दीदी है। एक बार साल भर के लिए रिचार्ज कराते हैं और एक बार जो है मतलब एक्स्ट्रा जो बूस्टिंग होता है वो कर देते हैं करवा चौथ में। पापड़ तिलौरी सब खिलाते हैं।
हाँ आप लोग हम लोग ऐसे ही खाली खिला रहे हैं साल में एक बार खिला। सो फैमिली हम जो है वो सड़की ले चुके हैं, मतलब सड़की में क्या मैंने बस थोड़ा सा दही चूड़ा लिया है और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे चाय पीना जरूर मतलब मस्ट हो जाता है। सुबह सुबह मैं चाय पीती हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैं 2 सिप या 3 सिप से ही लेकिन मैं चाय पीऊँगी, मतलब उतना ही पी लेने से थोड़ा लगता है कि हाँ चलो मैंने चाय पी लिया है, सर दर्द नहीं होता। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चाय बना लिया है, मैं उसको पीऊँगी। और ये देखिए मेरे मेहंदी का जो कलर है कितना प्यारा आया हुआ है, दूसरा हाथ में नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ रखा है उससे, और लाल तो होगी है मेहंदी और दिन भर में अभी और लाल होगी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि अगर ये मेहंदी लाल नहीं हुई ना तो फिर तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, कि मतलब मैंने ऐसे मजाक में कहा था। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मेहंदी जितनी ज़्यादा गाढ़ी मतलब होती है लाल होती है, हस्बैंड इतना ही प्यार करता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट मेरी मेहंदी वैसे भी लाल हुई है। उन्होंने बोला कि क्या लॉजिक है यार तुम लोग का कि मेहंदी अगर लाल हुई तो मैं प्यार करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ, कि मेहंदी है या फिर पिटवाने का सामान है। मैंने बोला फिर आप समझ जाइए अगर मेहंदी लाल नहीं हुई तो, कल मैं बताऊंगी आपको। तो मैं जा रही हूँ अभी चाय पीने, मेरी चाय बन गई है।